नमस्कार। श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम के 7वें दिवस में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु मंत्र से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो। नमस्कार, प्रणाम। दिवस 7, श्री राम लक्ष्मण सीता वन गमन प्रसंग। सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। सौभाग्य है राम कथा से पुनः भेंट हो रही है। सुखासन लीजिए, संयम, ध्यान और धारणा में परमेश्वर के उस रूप को धारण करें कि जो माता पिता की आज्ञा से अपने सारे सुख वैभव साम्राज्य को छोड़ के अपनी सुकुमार अवस्था में वन की तरफ गमन करने के लिए एकदम प्रसन्न चित्त होके जो है तैयार हो जाते हैं। और राम जी को आदेश मिल चुके हैं, तो चलिए ध्यान धारणा के साथ हम मंगलाचरण करते हैं आज का। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं प्रभवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। आज की कथा में श्री राम लक्ष्मण सीता वन गमन के लिए तैयार होते हैं। किस तरह से, क्या किस किस से, क्या क्या वार्तालाप होता है, तो कैसे राम जी को आदेश मिला और लक्ष्मण सीता जी भी उनके साथ में चल पड़ते हैं। तो राम कौशल्या संवाद होगा, माता से मिलने जाते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। तो कैसे माँ से वार्तालाप होता है और राम कौशल्या सीता संवाद होता है, उसी समय सीता आ जाती है और फिर जो है माता सीता को रोकना चाहती है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार है। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, अरे ये तो बड़ी सुकुमारी है, मैंने तो आंखों की पुतली बना के इसको रखा है, मैंने तो कभी पलंग से नीचे ही नहीं इसको उतरने दिया। इस तरह से वार्तालाप होता है, फिर सीता राम संवाद होता है। सीता तो बेबस हो जाती है और फिर वो अपने पति से कैसे प्रार्थना करती है, क्या कहती है। तो मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, अरे मैं सुकुमारी हूँ तो मेरे स्वामी क्या वन में जाने के लायक है। हाँ, तो फिर कैसे माता आशीर्वाद दे देती है। हाँ, अचल हो अहि वात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। तो इस तरह से
अब लक्ष्मण जी को जैसे ही पता लगता है तो गोली की तरह से लक्ष्मण जी वहां पहुंच जाते हैं। पहले तो उनको ये क्रोध आता है कि ये क्या कैसे क्यों है, और फिर उनको लगता है कि यहाँ तो पासा पलटा हुआ है, बिल्कुल राम जी तो बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, है ना। तो फिर भाइयों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, कैसे बोलते हैं, गुरु पितु मात न जानहु को, मैं नहीं माता पिता किसी गुरु को जानता, है ना। तो जब राम जी बेबस हो जाते हैं लक्ष्मण के आगे भी, क्योंकि उनको लगता है लक्ष्मण तो मेरा हिस्सा ही है ना। माँ गहु विदा मातु सने जाए, तो कह देते हैं कि जा, अच्छा जा माता से विदा लेके आ जा। फिर जब देखिए, फिर लक्ष्मण जी जब अपनी माँ के पास जाते हैं, सुमित्रा जी के पास, इतना पूरी रामचरितमानस में शायद एक ही डायलॉग होगा सुमित्रा जी का, कि वो अपने बेटे से ऐसे समय में क्या कहती है, अवध तहां जह राम निवासी, जहां राम है वही तुम्हारी अयोध्या है। फिर राम सीता लक्ष्मण जी जो है दशरथ जी के पास विदा लेने के लिए जाते हैं। दशरथ जी सीता को समझाना चाहते हैं, अरे तो वो भी, उनको भी लग रहा है कि राज आ गया है, राम तो रुकेंगे नहीं, है ना, तो शायद ये जनक नंदिनी ही घर में रुक जाए। तो फिर नहीं होता है, तो सुमंत्र जी का बहुत सुंदर है, राम चले ब्रन बन प्राण न जाही। सुमंत्र जी जैसे लेके जाते हैं राजा दशरथ, उनको कहते हैं कि भैया इनको घुमा घुमू के वन दिखा के 4 दिन में ले आओ। हाँ, तो उसके बाद जब वन में पहुंच जाते हैं तो किस तरह से सारे नगर निवासी पीछे पीछे चल देते हैं, रथ के पीछे पूरा हुजूम, इतने लोग पीछे चल रहे हैं कि ये तो घूम के आ ही जाएंगे, हम भी चलेंगे इनके साथ, हम भी, हमें भी यहाँ नहीं रहना। तो जब ऐसे फिर रात्रि में सोते हैं तो नगर निवासियों को सोते हुए छोड़कर राम जी उनको कहते हैं कि तुम रथ को ना अयोध्या की तरफ मोड़ के थोड़ा आगे जाके घुमा घूम के फिर जंगल में कर देना हमको। तो ऐसे जो है भ्रमित करके नगर निवासियों को सोते हुए छोड़ के कैसे आगे बढ़ जाते हैं, हम इस कथा पर आज चलेंगे। अब देखिए कि हम कहाँ पर थे, कैकेयी मंथरा ने जो कि सरस्वती जी के देवताओं के आग्रह पर, सरस्वती जी के कहने पर उसकी बुद्धि को घुमाया गया, और वो जो है कैकेयी को इतना पढ़ा सिखा देती है, क्या बोलती है कि तब वरदान मांगना दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ आज जुड़ा हुआ उछाती। हमने कल पढ़ा था कि जो है राजा से अपने 2 वरदान मांग लेना, और तब मांगना जब तक वो कसम ना खाए, है ना, राम जी की कसम खाएं तभी तुम सौगंध होगी, तभी पक्का विश्वास होगा। तो जब उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, तो कैकेयी ने चटाक पटाक से मांग लिया। क्या मांगा, तापस तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, और क्या बोला कि एक देव एक बर भरत ही टीका, एक से भरत को टीका दे दो, राज्यभिषेक कर दो, राज तिलक कर दो, और दूसरे से तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए जो है निष्कंटक भरत का राज्य होना मांगता है ना, तो वहां भेज दो। तो ये जब मांगा तो राम जी का क्या रिएक्शन है, दशरथ जी से तो कहा ही नहीं जा रहा है, बेहोश हुए जा रहे हैं, हाँ कैसे कैसे कहूँ मैं। तो जब राम जी उनके सामने आते हैं तो माता माता ही बोल देती है, अरे इनको तो क्या है, ये कहा नहीं जा रहा है इनसे है, तो वो जो 2 वरदान वाली बात कह सुनाती है। तो राम जी क्या कहते हैं, हाँ सुन माता सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, है ना। मुझे तो ये दुख हो रहा है कि पिता को इतना कष्ट क्यों हो रहा है इतनी सी बात कहने में, है ना। तो फिर जो है ये आदेश लेकर अपने शिरोधार्य करके माता के पास जाते हैं कौशल्या के पास में। तो अब हमारा कौशल्या का संवाद है। माँ तो पहले हम इसको गाते हैं फिर इसकी कथा सुनते हैं, आपको बहुत सारा तो इसमें समझ ही आ जाएगा।
माता और पुत्र का, राम जी और कौशल्या जी का क्या वार्तालाप होता है, ये डायलॉग को टैग किया गया है इन पंक्तियों में, तो देखते हैं। हाँ जी सुनाए ना जी। पिता दीन मोहि कानन राजू, दीन मोहि कानन राजू, कहहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाहु, पितु समीप तब जाए ओ भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। वर्ष 4 10 बिपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हऊँ, मनि जनि करसी मलान, तात पितहिं तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे, राजु देन कहु शुभ दिन साधा, कहे उजान बन के अपराधा, राजु देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिन भरत ही भूपति, प्रज ही प्रचंड कलेस, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहे उबन जाना, तो कानन सत अवध समाना, देव पितर सब तुम्हीं गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई, अस बिचारी सोई करहु पाई, सबई जियत जेहि भेटहु आई। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर माता के साथ, आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया, माँ ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया, और उनके ऊपर कपड़े गहने जो है मुद्राएं न्योछावर करे, और उनका प्रेम और महान आनंद कहा नहीं जा सकता, ऐसे जैसे कंगाल ने कुबेर का धन पा लिया हो, कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलती हैं, हे तात, माता बलिहारी जाती है, बलैया लेती है, कहो वो आनंद मंगलकारी घड़ी कब है, कहना चाहती हैं कि कब है राज तिलक, कितने बजे है, समय पूछना चाहती है, घड़ी पूछना चाहती है। हाँ तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भाए कुछ मिठाई खा लो, मीठा मुंह कर लो बोलते हैं ना, तो भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। तो ऐसे जब माँ ने कहा तो राम जी ने क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, कि माँ पिता ने जो है, माता पिता ने मुझे कानन का राज्य दे दिया, वन का साम्राज्य दे दिया है ना। माँ के वचन जो है कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे, और राज्य लक्ष्मी के मूल थे, कि बेटा कब है घड़ी, है ना, मीठा मुंह कर लो जल्दी बताओ, है ना। तो ऐसे वचन रूपी फूलों को देकर राम जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला, मुग्ध नहीं हुए, उनको मतलब उनको लालच नहीं लगा कि अच्छा राज्य राज तिलक की घड़ी कब है। तो ये तो राम जी ने बोला कि मुझे तो वन का साम्राज्य मिला है,
मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, आए सुबे मुदित मन माता, मुझे बड़ा चित्त से प्रसन्न चित्त होके मुझे आशीर्वाद दो है? क्या 14 वर्ष क्या बीतते देर लगती है, दिवस बरस चार ही दस, 4 और 10 14 वर्ष वनवास में करके मैं फटाफट आ जाऊंगा, है ना? तो जब ऐसा बोला, हाँ बड़े सीधे कम से कम शब्दों में राम जी ने बात कही, लेकिन माँ की आंखों में जल भर आया, शरीर कांपने लग गया धीरे धर कर, और बेटे से पूछती हैं कि हे ता, तुम तो पिता को प्राणों से प्यारे हो और हमेशा तुमको देख के इतना प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? हाँ क्या अपराध कर दिया तुमने जो तुमको देश निकाला हो गया ना, वन जाने को कह दिया? हाँ तो राज देन कहीं दीन, मुझे ये कोई दुख नहीं है कि तुमको तुमको वन भेज रहे हैं, लेकिन मुझे ये दुख है कि भरत को तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल होगी, प्रचंड कलेशु, तुम बिना भरत ही भूपति, तुम्हारे बिना राजा और भरत को दोनों को बहुत कष्ट होगा। तो अच्छा ये जो माता के विचार देखे कि जो राम की जननी है ना वो कैसी है, कैसे उनका हृदय, थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे ये बताओ। अपने अधिकार को भी जानती है माता, वो कह रही है जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। क्या तुमको पिता ने आदेश दिया है तो माता उसको इग्नोर करती है, उसको कैंसिल करती है, क्योंकि माँ का अधिकार पिता से बड़ा होता है। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, तो माता का आदेश उससे बड़ा माना जाएगा, और सिर्फ पिता ने कहा है तो मैं जो कहूंगी वही होगा। लेकिन जो पितु मातु कहे उ बन जाना, अगर माता पिता ने कहा है ना तो अयोध्या ही के समान ही है वन तुमको, तो कानन सत अवध समाना, तो जो है वन भी तुमको अयोध्या के समान है, तो जाओ। अगर माता पिता, तो वहां माता पिता कह के ही हो गई माता पिता, तो देखिए जरा माता की शक्ति। तो फिर बेटा जाओ देव पितर, जब सारी बात हो गई तो देव पितर सब तुम्हें गोसाई, तो जो है कैसे आशीर्वाद दे रही हैं कि हे तात, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है, देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक सारे देवता जो हैं, राज्य देने को देकर वन दे दिया, नहीं केवल वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। अरे बेटा राजा को तो अंत में वन में जाना ही पड़ता है, जब वानप्रस्थ होता है तो भरे राज्य को छोड़ के राजा के लिए जंगल जाना ही बनता है ना? लेकिन थोड़ा सा मुझे ये दुख हो रहा है कि तुम्हारी आयु अभी कम है और थोड़ा जल्दी वन आ गया तुम्हारे जीवन में, तो भी मैं झूठा स्नेह बढ़ा के हठ नहीं करूंगी, जाओ माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना, है ना? इसलिए ऐसा करना कि सबके जीते जी तुम हमसे आके मिल जाओ। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसी पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, राखो पलक नयन की नाई, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें जैसे पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। इसलिए जो है ऐसा करो कि तुम जाओ और झटपट लौट के आओ। तो इस तरीके से माँ ने आशीर्वाद दिया, बड़ा मन किया, और फिर जो है राम कौशल्या सीता संवाद होता है। अभी राम जी वहीं पर हैं, सीता जी आ जाती हैं, जनक नंदिनी व्याकुल हो जाती हैं, और जो है जाके चरण कमलों की वंदना करती हैं, सास को प्रणाम करती हैं, वो आशीर्वाद देती हैं, और जो है बहुत सुकुमारी सीता का मुख देखते ही कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गई। हाँ और सीता जी क्या कर रही हैं, नीचा मुंह करके खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं समझ, क्योंकि उनको भी खबर मिली और तुरंत वो आ गई कि ये क्या हो रहा है माँ, ये क्या हो रहा है, पूछने के लिए आई हैं। राम जी भी वहीं मिल गए, तो नीचा मुंह करके खड़ी हैं, पैरों से धरती को खोद रही हैं, हाँ जैसे बिल्कुल संकोच में गड़ी जा रही हैं, तो समझ नहीं पा रही हैं कि जीवन नाथ प्राण नाथ जो है वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा, कैसे मेरे पुण्य कर्म होंगे कि मैं उनके साथ जा पाऊं,
शरीर और प्राण, देखो तुलसीदास जी कितना सुंदर लिख रहे हैं कि मेरा शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणों से ही इनका साथ होगा। ऐसी है जनक नंदिनी। माता ने बात समझ ली उनकी, सीता जी को देख के समझ रही हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं, है ना। सीता जी अपने सुंदर नखों से, चरणों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुर का जो शब्द हो रहा है ना, पैरों में जो नूपुर पहने हैं, तो कवि कह रहे हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। देखो वन में जाना है, आभूषण छोड़ के जाना है ना, तो कितना सुंदर। और राम जी की माता कौशल्या कहती है, सुनो सीता बेटा, ये तो बहुत सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मैंने तो इस जानकी को आंखों की पुतली बना के इससे प्रेम किया है और प्राण प्राण इसमें लगा रखे हैं। तो कहते हैं कि सीता ने तो कभी पलंग से नीचे पैर नहीं रखा, गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। वही सीता तुम्हारे साथ जाना चाहती है, हाँ उसे क्या आज्ञा होती है। देखो माँ अपने बेटे को पूछ रही कि इसको क्या कहना चाहते हो, बोलो ये क्या करे, क्योंकि वो तो चाहती है कि वही वही रहे। हाँ तो लेकिन वो वन के जो है ना, भयंकर जो है वन के डर भी दिखाती है। हे पुत्र, जो सीता तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में कैसे रहेगी। देखिए कवि की कल्पना आगे की कथा का कैसे संकेत दे देते हैं। हाँ तो राम जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो है फिर सीता की तरफ देखा और उन्होंने भी वन के दोषों को बताना शुरू कर दिया कि वन में कैसे होगा, क्या क्या कैसे वन के जो दोष हैं वो सारे बताए। तो अब जो है सीताराम संवाद बहुत ही कम चौपाइयां ली हैं, बिल्कुल उसी में सारा समझ में आ जाएगा। वन के दोष सारे बता दिए, तो फिर अब सीता जी क्या कहती हैं उनका डायलॉग बताते हैं। हाँ जी वो मैम, मैं डायलॉग तो बजाती हूँ लेकिन भक्ति रस के अलावा रामचरितमानस में अगर हम उसको एक लिटरेचर का पीस लेके भी पढ़ें हाँ तो जी इतनी सुंदर उपमाएं हैं, इतने सुंदर डिस्क्रिप्शंस हैं और इतनी बारीकी से इमोशंस को डिस्क्राइब करा है कि बहुत ही सुंदर है। सीताराम संवाद बजा रही हूँ। हाँ जी श्री राम वनगमन प्रसंग, जिय बिन देह नदी बिनु बारी। श्री सीताराम संवाद। मंगल भवन मंगलहारी, गवहुँ सो दशरथ अजिर बिहारी। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मानि ग्रह रहु। आय सु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। भोग रोग सम भूषण भारु, जम जातना सरिस संसारु। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहु सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिदु बदनु निहारे। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, ले आई संग मोहि छाड़िय जनी।
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मो कहूँ भो। राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जनी अही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान। सीता जी, राम जी बोल रहे हैं कि अरे मेरा और अपना भला जो चाहती हो ना, तो हम मेरा वचन सुन के घर में रह जाओ, है ना, और सास ससुर की सेवा करना, और सब तरह से ये भामिनी भवन में रहने में ही भलाई है ना। तो मैं तो पिता के वचन को सत्य करके फटाफट आ जाऊंगा, है बेगी, फिर जल्दी से आ जाऊंगा, जल्दी से मतलब 14 वर्ष कितनी चुटकी बजाते बीतेंगे ये वो कहना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर सीता जी क्या कहती हैं, आपको बिल्कुल समझ में ही आ गया होगा कि ये रघुकुल तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान, फूलों से सजी हुई नगरी भी जो है ना आपके बिना मुझे नरक के समान होगी, भोग जो है रोग के समान होंगे, कैसे भोग भोगूंगी, हाँ भूषण जो है आभूषण जो है मेरे लिए भार होंगे, है ना। तो ये सारी बातें जो है तुम्हारे बिना मुझे कहीं भी कोई सुख नहीं है, जैसे जिय बिन देह प्राण के बिना ये शरीर किस काम का है, और नदी पानी नहीं हो तो नदी किस काम की, है ना। तो इसी इसी तरह से नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सारे सुख जो है आपके साथ में है, और ऐसे ही सुजान शिरोमणि मुझे छोड़ो मत, ले ये संग मोहि छाड़िए जने, मुझे छोड़िए नहीं और साथ लेकर जाइए, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं, ऐसा कैसे कह रहे हो कि मैं सुकुमारी हूं तो आप क्या वन के योग्य हैं। तो मैं उचित तप मोका हूं भोगू, आपके लिए तप उचित है और मेरे लिए क्या भोग भोगना उचित है ना। तो राखी अवध जो अवध ही लगी, रहते न जन यही प्राण, अब धमकी दे डाली है ना कि जो है प्राण नहीं रहेंगे, तो वो पहले ही देखो वो मन से ही सोच के आई है कि देखती हूँ कि शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण जाएंगे वन राम जी के साथ। तो अब देखो माता देख रही है, वार्तालाप सुन रही है ना, वो तो बोल के और राम जी को बोला कि देख बताओ इन सीता के लिए क्या आदेश है। तो अब जब सीता की बात सुनी तो माँ ने तो फटाफट जो है आशीर्वाद दे डाला, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। तो प्रणाम किया तो कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा यमुना में जल की धारा बहती है तुम्हारा सौभाग्य जो है अटल होगा, है ना। तो ऐसे जो है आगे बढ़ते हैं। अब लक्ष्मण को भनक पड़ गई है ना, लक्ष्मण तो आव न ताव देख के सीधा क्रोध में तुरंत एक्शन है ना, आ गए पहुंच गए। तो अब लेकिन पहुंच गए लेकिन कैसे कहें, वो तो सीता जी से भी ज्यादा मतलब अपने भावों को रोक नहीं पा रहे हैं, है ना, उनको भी ये डर लग रहा है कि क्या होगा। चलिए इसको गाते हैं फिर देखते हैं कि मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता, कहीं आप सोचो कि माता पिता के साथ रह जा, मेरा तो सब कुछ आप ही हो, है ना। तो देखो जरा उनकी बात बहुत सुंदर है। श्री राम लक्ष्मण सीता वनगमन। गुरु पितु मात न जानौ काहू। श्री राम लक्ष्मण संवाद। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समझ हृदय परिणाम उछाहु। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। हवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला।
गुरु पितु मात न जानहु काहू, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहउ सुभाउ नाथ परियाहू। मांगहु बिदा मात सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। अब देखिए जो है बड़े कोमलता से राम जी ने समझाना चाहा है कि तार जो है घर में रहो, मेरी बात सुन लो। भरत भी, भरत शत्रुघ्न घर में नहीं है, राव वृद्ध हैं, राजा वृद्ध हैं, है ना, और मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है उनको छोड़ के जाते हुए, और मैं तुमको भी साथ ले जाऊं तो अयोध्या तो हर तरह से अनाथ हो जाएगी। हाँ तो तब वो लक्ष्मण बोलते हैं, वो तो कुछ नहीं, आए और राम जी के चरण पकड़ लिए और रोने लग गए और छोड़े ही नहीं, है ना, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जब राम जी ने ये सब बोला तो बोला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रति पाला, मैं तो जो है एक बच्चे आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा बच्चा ही हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं, है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता, है ना। इतना ही कह के जब वो इतने भाव विभोर हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे, किसी हाल में राम जी को बिना कहे भी, जैसे भक्त की भाषा को तो भगवान बिना कहे भी समझ जाते हैं ना, शब्दों की जरूरत नहीं होती है, भाव इतने प्रबल होते हैं कई बार कि वाणी बिल्कुल पंगु हो जाती है, बोल ही नहीं निकलते, वो शब्द ही नहीं होते कई बार हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए। तो यही लक्ष्मण का भी हाल हो रहा है। तो फिर राम जी ने कहा, अच्छा जाओ माता से जल्दी से मांगो, विदा मात सन जाई, आवो बेगी चलो, जल्दी आना, फिर हम जल्दी करो चलो। तो लक्ष्मण भागे भागे, अरे चले गए माता के पास, सुमित्रा के पास। अब एक बड़ी भारी दुविधा, एक जगह से तो हरी झंडी मिल गई और माता क्या कहेंगी, है ना, कि एक बेटा तो मेरा वहां गया हुआ है, अब भैया राम को आज्ञा मिली है, उसको जाने दो, हैं तुम तो यहाँ रहो तब तक, तो ऐसे तो। लेकिन लेकिन हमारी जो राम कथा है, राम जी का चरित्र है ना, वो जन जन के लिए आदर्श है, और इसका हर कैरेक्टर जो है वो आदर्श प्रस्तुत करता है। तो सुमित्रा जी के साथ क्या वार्तालाप होता है, बहुत सुंदर है, तो सुनैना जी करते हैं, फिर हम बोलते हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता वनगमन प्रसंग। अवध तहां जय राम निवासु, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहां जह राम निवासु, तहई दिवस जह भानु प्रकाशु। जौं पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जेहि न राम बनलहि कलेसु, सुत सोई करहुई हइ उपदेसु। भूरि भाग भाजनो भयो, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ी छलो, कीन राम पद ठाउँ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। हाँ जी, जो है लक्ष्मण जो है जाके फटाफट उन्होंने सारी बात जो है माँ को बता दी बड़े संक्षेप में। हाँ तो अब उनका हाल है कि विदा मांगू तो कैसे, क्या कहेंगी, हैं? और सुमित्रा ने जैसे ही बात सुनी, सुमित्रा ने अपना सिर पीट लिया, हाँ, कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, लेकिन
कुछ समय को जान के कि अच्छा समय नहीं है, धैर्य को धारण किया और अपने स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा कोमल वाणी में बोली, बेटा जानकी जी तुम्हारी माता है, सब तरह से स्नेह करने वाले राम जी तुम्हारे पिता हैं, जहां राम जी का निवास हो वही तुम्हारी अयोध्या है, अवध तहां जह राम निवासु। देखिए तो जहां जहां, और मैं तो कहती हूँ जहां राम का नाम है वही अयोध्या है, सोच के देखिए जरा, धारण करके देखिए। तो हृदय में ऐसा जानकर हे ताज उनके साथ बन जाओ और तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पुत्र तुम वही करना जिससे राम जी वन में क्लेश ना पाए, सेवा करना कहना चाह रही है। मेरा यही उपदेश है। मैं बलिहारी जाती हूँ बेटा, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तो माता भी राम जी की भक्त है, देखिए सुमित्रा भी, हर एक की भक्ति राम जी के लिए ऐसे छलक रही है कि वो कुछ कहें या ना कहें, लेकिन कोई ना कोई पल ऐसा जरूर आएगा जिनमें राम जी के प्रति भक्ति नजर आ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी लक्ष्मण को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दे दी और आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित नया हो, बढ़ती जाए तुम्हारी भक्ति, ये कहना चाह रही है। फिर लक्ष्मण जी चले और फिर जो है राम लक्ष्मण सीता तीनों इकट्ठे जाते हैं। कहाँ चले हैं? मात सकल मोय बिरह बिरह जेई न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। हाँ जी, सोई सब भांति मोर हित। हाँ जी, ये राम जी के वाक्य हैं। हाँ तो सुनैना जी, यहाँ हैं हम क्या? जी, श्री राम मातु सक सीता लक्ष्मण वन गमन, राम चले बन प्राण न जाहि, के ही सुख लागी रहत तन माही। मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। राम चले बन प्राण न जाहि, कहि सुख लागी रहत तन माही। पुनि धर धीर कहै नर नाहु, लेरथु संग सखा तुम जाहु। सुठि सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दे खराई बनो, फिर उ गए दिन चार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। राम लक्ष्मण सीता तीनों इकट्ठे होके दशरथ जी के पास जाते हैं। माता गुरु जी भी सब वहीं पर आ जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस पल की कि राजा विक्षिप्त अवस्था में है, कैकेयी वहां बैठी हैं। उनको पता नहीं था कि राजा की यह हालत हो जाएगी। उन्होंने तो बोला कि मैंने वरदान मांगे और वरदान चट के पट मिल गए और बस कुछ नहीं होगा। लेकिन जब राम जी आए तो आभूषण जो है ना, वो वन के जो सामग्री है, वल्कल वेश में, तापस वेश में जो है, क्योंकि ये वचन की बात थी, तो वो जो सारा सामान जो है तपस्या वाला, वो तापस वेश का वो देने लग गई कैकेयी। तो ये मैंने कहाँ पढ़ा है, अध्यात्म रामायण में या वाल्मीकि रामायण में। वशिष्ठ जी बहुत गुस्सा हुए, गुरु जी कह रहे हैं, अरे उल्टा, क्या तूने सीता और लक्ष्मण को भी वनवास दिया है क्या, जो उनको ये तपस्वियों के सामान दे रही हो, है ना? तो सीता जो है वो
पूरे मंगल प्रसाधन के साथ में, पूरे आभूषण के साथ में वन जाए और राम जी का साथ दे। तो इस तरह से गुरु जी ने हर पात्र जो है समय पर अपनी सही सटीक बात कहने में कोई डरता नहीं है, ये देखिए निर्भयता है सत्य बोलने में और नीति का पालन करने में, नीति बताने में, है ना। तो लेकिन बहुत विस्तार से बताया है कि क्योंकि राज घराना है तो बहुत सामग्री है, अपना पर्सनल कितनी बिलोंगिंग्स होती है ना, तो वो सारी दान करके दे के लोगों में बांट के जो है, जो उनके साथ में लोग रहते थे और जो जिसको चाहिए उनको दे के राम जी ऐसे विरक्त होके जो है चले हैं और समझा रहे हैं। ये उनके चलने के समय अयोध्या के लोग पीछे पीछे आ गए हैं और सब जहां से निकलते हैं रथ तैयार हो गया, गलियां कूचे भरे पड़े हैं कि ये क्या हो रहा है, अरे जा जा रहे हैं, जाने वाले हैं, हाँ मैंने यहाँ देखा वहां देखा, है ना, अब वो वहां गए, ये ऐसे सरसरी जो क्या सुरसरी सी ऐसे फैल जाती है चारों तरफ, तो व्याकुल हो रहे हैं। जो राजमहल में जैसा विषाद है ना, पूरे नगर भर में, पूरे अयोध्या में वैसा ही फैल गया है। और जो है राम जी समझा रहे हैं अयोध्या वासियों को कि जो है समझा रहे हैं, मातु सकल मोरे विरह, मेरी माताएं जो है ना मेरे विरह में दीन दुखी ना हो जाएं, आप उनका ऐसा उपाय करना कि आप सब लोग मिलके उनका अनुरंजन, उनका उनको प्रसन्न रखना, कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे कोई क्लेश हो, सोई सब वहां मेरा सबसे बड़ा हितकारी वही है, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो ना, तो मेरा सबसे बड़ा हितकारी वही है जो वो काम करे जिससे राजा सुखी रहे, है ना। तो राम चले बन प्राण ना जाहीं, ऐसा हो गया कि बस राम जी तो चल दिए, बस प्राण नहीं जा रहे हैं, यही सुख लागी रहत तन माही। ये राम लक्ष्मण सीता जो है वन गमन कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारे प्राण कौन सा सुख देखना चाहते हैं जो अभी शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा जो है चारों तरफ ऐसा भाव है, और पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, लै रथु संग सखा तुम जाओ। अब दशरथ जी जो है ना नर नाहू राजा जो है, फिर से धैर्य को धारण करते हैं और सुमंत्र को अब वो समझा रहे हैं कि हे सुमंत्र, मंत्री हैं उनके, कि तुम रथ लेकर जाओ और जो है चारों तरफ इनको घुमा घूमू के और आ जाना। तो ऐसा निर्देश दे दिया और जो है दो सुनी सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनो फिर आए दिन चारी, 2 4 दिन घुमा घूमू के उनके उनको ले आना। तो ये है राम चले बन प्राण न जा। अब मैंने इसके इसके बाद का मैंने बताया था कि रथ चले जा रहा है, रथ तो स्पीड ही नहीं पकड़ रहा क्योंकि रोक रोक के रो रहे हैं, है ना, क्या भेंट कर दें क्या दे दें, और वो तो खुद ही अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या चाहिए उनको। और फिर बोले कि हम भी चलेंगे, नंगे पैर जा रहे हैं, तो नगर निवासियों पीछे पीछे भीड़ चली जा रही है, वन प्रवेश कर गए हैं, अब वन में चले हैं तो जो है अब रात्रि हो गई, रात हो गई तो कहीं तो विश्राम होगा, है ना, जो सही सी जगह देख के कहीं पर रुके, तो सारे ही लोग भी प्रेमवश रोते बिलखते जो है कि क्या हो रहा है, कैसा संकट अयोध्या पर आया है ना। तो वो जब सब सो गए तो राम जी ने सुमंत्र को बोला कि सुमंत्र अब तुम हमको हमारा रथ अयोध्या की तरफ थोड़ा सा चला के और फिर गोलमोल करके घुमा घुमू के वन वन में आगे जाके हमको छोड़ देना, ताकि जब सब लोग उठेंगे तो देखेंगे अच्छा रथ गया तो कहाँ कहाँ किस तरफ गया किस तरफ गया, ऐसे करके जो है वो अयोध्या की तरफ वो लोग चले जाएं और हम वन में अपने गंतव्य की तरफ जाएं। तो ये इस तरह की आज की कथा रही है। तो अब हमारा आज समय है, आज आप अभी तक के जो है उसमें अंतः कथा बताइए, अपने प्रश्न बताइए और अपने अनुभव बताइए, कोई दो
एक दोहा या एक चौपाई, जो जो गाना चाहते हैं, जैसा आपने समझी है, जो आपको पसंद है, आप उसको गाइए। सुनैना जी अब। जी जी मैम शांतनु जी कह रहे हैं कि कल किसी ने सवाल पूछा था कि क्या तुलसीदास जी ने पुराना राम मंदिर देखा था। जैसा कि उमा मैडम ने कहा, तुलसीदास जी अकबर के युग में जीवित थे और मंदिर को अकबर के दादा बाबर के युग में ध्वस्त किया गया था। ये ध्वस्त वाली बात नहीं की, लेकिन बाबरी मस्जिद बाबर से जुड़ी है, तो आई सपोज कि वो बाबर अकबर के दादा थे, तो उस पीरियड हाँ, की बात होगी। कल मुगल्स एंटर्ड इंडिया। एक्चुअली उन्होंने आगे ये भी लिखा है, दरअसल गोस्वामी जी की एक बाद की किताब तुलसी दोहा शतक में वह कहते हैं, राम जन्म महीन मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, ओके जब ही बहु हिंदुन हते तुलसी की नहाए। अच्छा, मैंने इतना अच्छा पढ़ा नहीं है। बहुत अच्छा है कि जो है उन्होंने तुलसीदास जी के दोहे से प्रमाण दिया। तो लेकिन ये बहुत ही कंटेम्पररी है, हम ऐसे ग्रंथ में उतर रहे हैं, ऐसे रामचरित में उतर, जो कालातीत है, वो काल से, समय की सीमा से, स्थान से सबसे परे हैं। कहाँ राम नहीं है, जहाँ कोई मंदिर नहीं है वहां भी तो राम जी हैं। हमारे हृदय में राम जी हैं, हमारे संकट में, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर जगह राम जो है वो ऐसे परमेश्वर तत्व हैं। हम इसी चीज को साधते हुए आगे चलेंगे, तो किसी मैम रामचरितमानस दो और हाथ, हाँ पे हाँ सॉरी, फोकस। दो और हाथ खड़े हुए हैं, ज्योति जी और विनय जी। हाँ जी, रमा जी आपने भी हाथ खड़ा करा था, आपको भी अभी मैं बोलिए। ज्योति जी मैम मैंने ये पूछना था, कल के रामचरितमानस में आपने ये बताया था कि जब राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो देवता बहुत ही परेशान हो गए थे, फिर उन्होंने सरस्वती माँ की सहायता ली थी, जो केकई की जीवा मंथरा मंथरा की जीवा पे बैठ के उसने केकई को भड़काया था। तो मैंने ये जी, पूछना था कि वो देवता क्यों परेशान हो गए थे, इसलिए कि राम जी का ये रावण का वध निश्चित था, इसलिए परेशान हो गए थे कि अगर राम जी का राज तिलक हो गया तो रावण का वध कैसे होगा, क्या यही कारण हाँ था? बिल्कुल, यही कारण था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा क्या हरहि सज्जन पीड़ा। तो राम भगवान अवतार ही तब लेते हैं कि जब जो है धर्म की हानि हो रही होती है और धर्म की स्थापना करनी होती है, दुष्टों का विनाश करना होता है, तो उनका तो अवतार का कारण ही यही था। आप राम जन्म कारण कथाएं पढ़िए, तो कुछ वरदान थे, कुछ अभिशाप थे, और ये कारण था कि ईश्वर को धरती पर आना ही था। तो देवताओं को ये था कि वो राम जी पथ विमुख ना हो जाए, लक्ष्य से ना भटक जाए। राम जी लक्ष्य से ना भटक, राम जी के, हाँ देखो कारण माध्यम तो कोई बनेगा ना, हमें कोई कोई जो कुछ काम करना है तो उसके लिए साधन तो चाहिए ना। तो हाँ जी, वो जो प्रपंच जो है उनको रचना पड़ा, क्योंकि पिता के मन में पुत्र को और बड़े पुत्र को राजतिलक देते हैं, ये तो सीधी परंपरा ही है ना, परंपरावश ही उन्होंने किया था। तो लेकिन देवता तो डर गए, देवता ऐसे ही करते हैं, उनका हर जहां भी उनका देवताओं का है, आप आगे जाएंगे सुंदरकांड में जाएंगे, कैसे देवता जो है हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारा हमें हमारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो देवताओं को बताया कि देवों के कार्य, देव मतलब क्या, देव मतलब क्या, जो सज्जन लोग, जो अच्छे लोग, जो समाज में हैं, उनको आतताई लोग तंग करते हैं, नहीं तो असुर असुर निशाचर, वो क्या बताया उनको, क्या क्या उनके सींग लगे हुए थे, हमने तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं कि कौन अच्छे काम कर रहा था, और ऋषि लोग जो है रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, साधक थे, है ना, ज्ञानी थे, उनको जो दुष्ट लोग तंग करते हैं, ज्ञान का विनाश करते हैं, तो वो दुष्टी हो गया ना, दुराचार जो मैम समाज ने कर रहा है। एक और बात पूछ रहे, क्या इसका मतलब ये कि हमारी जिंदगी में जब मुश्किल परिस्थिति आती है, हम किसी विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, हम उसे भगवान की कृपा प्रसाद समझे कि इसमें हमारा कोई भला होगा, प्रभु की कृपा से हो रहा है तो इसमें कुछ अच्छा होगा, और घबराए ना, शांत रहे। घबराना तो है ही नहीं,
पूरा जो है रामचरितमानस में धीर धरि माता, धैर्य धैर्य धैर्य, तो हम इस कथा में से गुजरते हैं ना, तो यही है हमारा उद्देश्य कि आज के संदर्भ में हम चीजों को जोड़ के इन कथाओं को देखें कि हमने क्या लिया, हमने क्या समझा, हमने क्या पाया, मतलब हम उसका एनालिसिस, उसको सही या गलत बजा देखने के बजाय हम ये देखें कि हमने इससे क्या सीखा, हमारी जीवन में ये कथा क्या सार्थकता लाती है। आज ही का प्रसंग देख लीजिए, तो आज के जो जो कैरेक्टर्स हमारे सामने आए, जैसे लक्ष्मण आया, माता सुमित्रा आई, कौशल्या जी आई, उनके मन के भाव हमको पता लगे, तो क्या मतलब हमारे लिए क्या ये ग्रंथ मार्ग प्रदर्शक है? क्या हमें अपने जीवन के लिए कोई जो तत्व, जहाँ ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे चीज आज नहीं चाहिए तो मैं सब कुछ लाके घर में रख लूं, लेकिन समय पर जो चीज चाहिए तो क्या वो ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करता है? जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो, जब हम किसी दुविधा में फंसे हो, तो हमें कहाँ से शक्ति मिलती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से हम अपना सही मार्गदर्शन कर पाते हैं, है ना? मैम विनय तो जी, कई सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। ज्योति जी, हाँ आपका जी, सवाल आंसर करा मैम ने। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू ज्योति जी। सो विनय यू। जी, हाँ, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, नमस्ते दीदी। नमस्कार। मैम जो है ये पूछना था कि कैकेयी जी जो है वो 14 वर्ष का जो वनवास मांगी है, तो ये 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे क्यों नहीं हुआ, 14 साल ही क्यों माना? हाँ जी, मैं ये सोचती हूँ कि उनका उद्देश्य था कि अपने बेटे को राजा बनाना, और राजा जी भी नहीं, निष्कंटक राज्य देना। तो तुम कितना भी जोश हो, कितने भी वीर हो, है ना, तो कितना भी क्रोध हो, जब 14 वर्ष तक, मतलब वर्षों तक, जब उस स्थान से परे हो जाते हो ना, तो चीजों चीजें उस हिसाब से सुव्यवस्थित हो जाती हैं। तो वो शहर की, वो नगर की, राज्य की सीमा से भी दूर, कहीं आंखों से इतनी दूर चले जाएं कि किसी को पता ही ना हो कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई उनके पास साधन नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, मतलब बिल्कुल तापस वेश में गए हैं। तपस्वी के पास क्या होता है, एक कमंडल और एक डंडा, है ना, तो वो धनुष लेके चले गए हैं नंगे पैर, खाली हाथ। तो अभिप्राय ये था कि 14 वर्ष तक जब वन में रहेंगे तो दूर दूर तक के, दूर लंका तक के सारे राक्षस मारे जाएंगे। ये सोचिए, ये विधान रहा होगा, इसके पीछे का विधान ये रहा था, लेकिन कैकेयी के मंतव्य रहा होगा अपने बेटे को निष्कंटक राज्य देना। और देवों ने जो जो व्यवस्था, 14 बरस राम वनवासी वो जो कहलवाया, वो देवों के कार्य सिद्ध करने के लिए, कि उनके अवतार सार्थक हो जाए, धरती जो है वो दुष्टों से विहीन हो, राम राज्य। तो 14 14 के बजाय वो 20 25 भी मांग सकती थी, लेकिन 14 का बिल्कुल, ही जो है संख्या क्या हुआ, क्यों हाँ जी, मांगा होगा? मुझे ऐसे लगता है कि राम जी कितने साल के थे, आप सोचते हैं कितने साल के थे जब उनको वनवास हुआ? गेस मैं करिए, समझता उनका हूँ। 16 साल में विवाह हो गया था, कितने साल जी के जी थे? वो वाल्मीकि रामायण से हमें पता लगता है कि कितने साल के बाद राजा को ये ध्यान आया कि अरे अब तो अवस्था हो गई, तो 12 साल थे या 16 साल थे, कितने साल थे, आप इसको कंफर्म करिएगा वाल्मीकि रामायण से, कि विवाह विवाह हुआ 16 वर्ष में, उसके बाद 12 वर्ष या 16 वर्ष में, कितने साल में उनको राज्य दिया, तो उतना हो गया। उसके बाद 14 वर्ष जोड़ लीजिए, है ना, अगर उससे ज्यादा साल होते तब तो उनकी वनवास की वानप्रस्थ अवस्था ही आ जाती, फिर तो क्या था। जी, अच्छी बात थैंक होगी। यू विनय जी। रमा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज रमा जी। हाँ हाँ, राम राम। राम मैं राम। ये सोच रही थी कि जब सीता जी ये वनवास जाती है तो अपने साथ कुछ आभूषण नहीं ले जाती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं पे मुझको लग रहा है कि वो जो जब रावण उनको ले जा रहे होते हैं तो वो आभूषण फेंकती है, तो वो कहाँ से आता है?
उनके पास। नहीं, मैंने आपको बताया कि जब कैकेयी जो है उनको तापस वेश वाला जो सामग्री दे रही थी, तो गुरुजी ने उनको डांटा कि अरे क्या करती हो, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता आभूषणों के साथ पूरे अपने सौभाग्य सामग्री जो इसने धारण करी है अपने अलंकारों के साथ में जाए, है ना। तो ये तुलसी में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये रामायण में मैंने पढ़ा है, तो वो आभूषण के साथ जाती है, मतलब बहुत सारे रानियों जैसे नहीं होंगे, लेकिन आवश्यक कुछ आभूषण को धारण करके गई है। और अत्रि जी के आश्रम में जब वो जाते हैं तो अनुसुईया जी भी उनको कोई प्रसादन सामग्री कुछ चीजें देती हैं, तो वो भी आगे आएगा, बहुत सुंदर है वो भी वाक्य। तो वो अच्छा आभूषण के साथ में गई थी, क्योंकि जब किष्किंधा में रावण वहां से ले जा रहा था तो ऋषिमुख पर्वत पे उन्होंने कुछ अपने गहने गिराए थे, बहुत अच्छा सुंदर। हाँ, जनरली हम जब पेंटिंग वगैरह देखते हैं तो वो जनरली वो हाँ जो सिंपल वो ब्राउन कलर का कपड़ा पहन के ही जाते हैं ना नहीं, वो। लेकिन आभूषण उनके सौभाग्य चिन्हों के साथ में गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, थैंक यू। अमिता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। तो जो नमस्ते आप लोगों, और जो कोई सज्जन ने प्रश्न किया था वो 12 साल का, ये है कि उस टाइम रूल था कि अगर कोई जना कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है 12 साल तक, तो फिर वो उसी की हो जाती है। तो इसीलिए उसने अब 14 साल मांगे कि 12 साल अगर भरत ने वहां पर शासन किया तो उसी का ही राज्य होएगा। एक ये भी है मत। और पांडवों वाला भी देखो ना, यही है कि कितने साल के लिए वन में गए, तो ये बिल्कुल सही बोल रही हैं अमिता जी, बहुत सुंदर पॉइंट बताया आप, थैंक यू। थैंक किसी यू अमिता जी। गोपाल जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज। ने पूछा, देवताओं को मालूम नहीं है क्या वो क्यों इतना डर गया राम जी का जीत होता है नहीं होता है? देवताओं को भी सब कुछ मालूम नहीं पड़ता है। देवताओं को क्या है, वो दमन है बस। उसका उसका भी भगवान ने जो रूप लिया है राक्षस संहार के लिए, वो सब देवताओं के लिए लिया है, फिर भी देवताओं को पूरा पता नहीं चलता है। तो इसलिए उसको डर लगता है कि राम का ये रावण का वध निश्चित होता है नहीं होता है, राम का कुछ हो रहा है, वो घबराहट होता है उसको। वही सोच रहा हूं मैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और देवताओं का हम कोई सा भी ग्रंथ, पौराणिक कथाएं कोई सी भी ले लें, देवताओं का ऐसे ही आता है, देवता हमारे सहायक हैं, तो लेकिन वो अपना भी राज्य निष्कंटक चाहते हैं, है ना। वो इंद्र, हाँ इंद्र जो देवराज इंद्र हैं, उनकी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग आती हैं कथाएं जब भी हैं। और हाँ देवता भी गलती करते हैं, वो मानवोत्तर हैं, लेकिन वो भी पदच्युत होते हैं, गलती करते हाँ हैं, प्रायश्चित होता है सब कुछ। इसीलिए वही तो मैं स्वर्ग, सोच रहा था। स्वर्ग देवताओं वाला है। स्वर्ग क्या है कि जहाँ सब अच्छा है, करेक्ट, स्वर्ग जाके वापस धरती पे तो आना ही पड़ेगा, तो सच्ची स्वर्ग है, जो सच। वो एक आगे बढ़ने के लिए एक पड़ाव है कि हम अच्छे आचरण में आ जाएं, अच्छे विचार रखें, अच्छे काम करें। तो उसके देव जो है मानवोत्तर है, देवोत्तर होना हाँ ही आगे ईश्वर को सही प्राप्त करना है ना। ना हमें अच्छा चाहिए, ना हमें अच्छे की सही तरफ ध्यान है, ना बुरे की तरफ ध्यान है, हम सब कुछ में समता रखते हैं, निरपेक्ष भाव रखते हैं सब कुछ में, तो वो है उससे ऊपर की बात। सही सही। और दूसरा है, सीता जी आभरणों का बारे में जो बता रहा था आपने, मैं वाल्मीकि रामायण में देखा है कि दशरथ जी ने बोलता है कि 1 साल का जितना साड़ियां हैं, 1 साल का जितना आभरण है, वो सब उसको देके लेके जाना करके बोलता था। हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू। किसी ने रामायण में बताया ऐसा। ये शास्त्र प्रमाण सबसे बढ़िया है, और जहां तक दूर दूर तक राम कथा की बात है, तुलसी रामायण तो बहुत ही बाद की है, 500 साल मुश्किल से भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है ना, वो है मूल आदि काव्य, पहला ग्रंथ, पहली पुस्तक, है ना। तो आदि कवि हाँ वाल्मीकि है, तो वो उससे हाँ पुरानी कोई रामकथा नहीं है, तो वो हमारा शास्त्र हाँ
हमेशा माना जाएगा। हाँ धन्यवाद जी, थैंक थैंक यू। अभी थैंक कोई यू ये रूपा। बताइए कि आज आज हमने क्या लिया इस कथा से? कोई एक दो जने एक एक मिनट बोलते हैं तो फिर हम चलते हैं। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? दोबारा आपने हाथ हाँ जी, खड़ा आज किया। हमने क्या लिया ये बताना चाह रही हूँ। आज हमने ये लिया कि पहले तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब दशरथ जी ने चाहे अंदर से दुखी होकर राम जी को जो भी आदेश दिया था, ही रिस्पेक्टेड हिज फादर, और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया जो भी उन्होंने बोला। दूसरा ये बोला है कि परिवार में बहुत ही पारस्परिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब राम जी को ये एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए परिवार के सदस्यों में, जब राम जी को ये आदेश दिया गया तो लक्ष्मण जी में कितना प्रेम था, उन्होंने राम जी के साथ चलने को तैयार हुए, सीता जी राम जी के साथ जाने को तैयार हुई। तीसरा ये कि एवरी वाइफ शुड बी फेथफुल टुवर्ड्स अ हस्बैंड, मतलब सीता जी ने कहा कि जो राम जी जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगी, ये भी हमें सीखने को मिला। एंड लक्ष्मण जी भी तैयार थे, एंड फिर जो लक्ष्मण जी की मदर थी उन्होंने उन्हें बोला कि हाँ आप जाओ साथ, वो ही तुम्हारी मम्मी पापा है राम जी और सीता जी। सो दैट म्यूचुअल लव रिस्पेक्ट एक्सेप्टेंस दैट इज बीइंग डिपिक्टेड विच वी ऑल शुड फॉलो। वाह सुनैना जी, आप बोलो इस पर, कितना सुंदर बहुत बताया इन्होंने। ही सुंदर है, और एक्चुअली पूरा उद्देश्य हमारे ग्रंथों का ये है कि कुछ ना कुछ आज की जिंदगी में हम उसमें से एब्जॉर्ब करके इम्प्लीमेंट करें, और तभी हमें अनुभूति होगी उसकी। तो थैंक और यू ज्योति जी। एक और चीज हमें सीखने को मिली कि देखो जो सुख दुख है वो तो आएंगे ही जाएंगे, पर जो माँ पापा है वो एक बार ही मिलेंगे, उनकी आज्ञा सर आँखों पर। बहुत सुंदर थैंक ज्योति जी, थैंक यू। यू। त्रिशा जी ने हाथ खड़ा करा है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते एवरीवन। मुझे इस आज के कथा से मुझे राम जी के चरित्र के बारे में एक बताना है कि उनका चरित्र जो है एक सुगंधित पुष्प की तरह है, और हाँ उनके जहाँ जाते हैं वो अपनी सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। तो जैसे आप देखिए कि उनको जैसे वनवास मिला, जैसे लक्ष्मण जी है उनके बिना रह ही नहीं सकते, इवन उनके जो लक्ष्मण जी की माता है वो भी कह रहे कि जहाँ आप तुम्हारे भैया जा रहे तुम वहां जाओ। जो अयोध्या नगरी के लोग हैं वो भी उनको वहां तक छोड़ने के लिए जा रहे, वन तक छोड़ने के लिए जा रहे, वो भी चाहते कि ये ना जाए। तो अगर ऐसा चरित्र हम भी अपना बनाने की कोशिश करें कि चार लोग प्यार करें, तो इससे बड़ी बड़ी विक्ट्री और कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ और मतलब यही जीवन में सबसे बड़ी विक्ट्री होगी कि हम अपने चरित्र को ऐसे बनाएं। जो हृदय मन को जीतना, दूसरों के हृदय को जीतना है ना, बहुत जी सुंदर, थैंक यू, वाह। थैंक यू त्रिशा जी। सुमित्रा जी आपको अनम्यूट कर रही हूं मैं। जय श्री राम। जय श्री मुझे राम। जो पंक्ति बहुत आज पसंद आई वो है कि जहाँ राम है, जहाँ राम का नाम है, वहीं अयोध्या है। जो हम रोज अपना काम करते हैं, कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी होता है, अगर हमारे साथ, अगर हम राम का नाम मन में रखें, तो यही हमारी अयोध्या है। यहाँ कुछ जो भी हो रहा है वो राम का ही डिजाइन है, और हम उससे हमें शायद बहुत सुकून मिलेगा उसे जी यहाँ पर रहने रहने जब तक यहाँ पर हैं, वो मन में रख के अगर हम चलें तो सब राम का ही काम है, बस यही बोलना। थैंक बहुत यू सुंदर। राम सुमित्रा जी। से बड़ा राम का नाम है ना, जहाँ राम का नाम नाम है वहां राम है, जहाँ राम है वही अयोध्या है। ये तो आज का मंत्र हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। आपने थैंक जो यू, दृष्ट अदृष्ट को भी आपने आगे लाके रख दिया, थैंक यू। थैंक थैंक यू सुमित्रा जी। मैं विदुषी जी को कर रही हूँ अनम्यूट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अकस्मात आते हैं, और उन दोनों स्थितियों को हम अगर शांति से स्वीकार करें तो हमारा जीवन और सार्थक होगा। थैंक यू विदुषी। उमा मैम कुछ कह रही थी आप? हाँ बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। हमें दोनों ही ये सबसे बड़ी प्रेरणा हर एक में दिखती है,
राम जी क्या सोच के सोए और सुबह उठे तो वन का साम्राज्य मिला। माँ क्या सोच रही है कि अरे बेटा कुछ खा लो, अरे तुम्हारा राज तिलक क्या है ना, उसी समय वो बताते हैं, तभी वो शांति से बोलती हैं, ठीक है ना, मन में बहुत कष्ट है, चोट बहुत तेज लगी है, लेकिन वो कैसे स्थिति को संभाल देती है कि सिर्फ माँ ने कहा है या माता पिता दोनों ने कहा है, पहले बताओ। माता पिता दोनों ने कहा, ओके तब मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कष्ट है भरत का। तो ये इतने सुंदर बातें हर दिन से, हर कथा के हर पहलू से निकलेंगी। आप लोग की रिसीविंग इतनी अच्छी है, थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा पार्टिसिपेशन है। अगले बार जब भी हमारे पास समय होगा तो आप कोई दोहा कोई चौपाई तैयार रखिएगा, तो हम गा के बताइए। गोपाल जी का हाथ दोबारा खड़ा हुआ है। मैं एक बार बस अब लास्ट उनको हाँ अनम्यूट जी कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवर टाइम हो गए हैं 10 मिनट। और कहीं ने बताया कि 12 14 साल का एक ही बार पूछने से वो घबराहट हो जाएगा करके, वो 5 और 4 और 3 का नहीं ऐसा स्प्लिट करके दशरथ ने बतना कैकेयी ने दशरथ को बताया करके, वो सही है क्या? जी, पहले जो गिनती कहने की परंपरा थी ना, आज जो हम नंबर से लिखते हैं ना, 1 2 3 4 हाँ सिंबल्स, नंबर सिंबल से लिखते हैं, तो पहले गिनती जो है हमारी, अब 0 का आविष्कार कब हुआ बताइए, कितने 100 साल पहले। लेकिन हमारे यहाँ तो देखो कैसे बोलते हैं, सहस्त्र अब्द कहाँ कहाँ तक की संख्याएं हैं, वो 0 के बिना कैसे पॉसिबल थी, तो वो उसको शब्दों में हमारे अंकों को लिखा जाता था। 9 और 5 का दश, और नव ठीक दश, एकोनविंशति है ना, है। पंच सप्तति है ना, तो हाँ ऐसे इस तरीके से हमारे यहाँ अंकों को शब्दों में कहने की परंपरा थी। तो हाँ था 0 का ज्ञान था हजारों, मतलब वो शुरू से ही था, वाल्मीकि रामायण में तो कितने अच्छे से नक्षत्रों का बताया है ना। पूरे थे, गिनती थी, दूर दूर तक थी, जो आज से हम हमारी काउंटिंग में भी नहीं, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां तक, तो लेकिन उसको व्यक्त किया जाता था शब्दों। गोपाल जी, बहुत ही सुंदर सवाल था आपका, और आज तो बहुत सुंदर सभी ने जो अपने थॉट्स शेयर करे हैं, जो सवाल पूछे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा। प्रणाम। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, सियाराम, जय सियाराम, जय जय सीताराम। प्रणाम, आभार।